जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार सनातनियों, स्वागत है आप सभी का आस्था के एक प्रमुख केंद्र हनुमंत धाम लखनपुरी में। होटल क्लार्क अवध कैसरबाग की पिछली रोड पे गोमती नदी के दाहिने तट पर स्थित है ये हनुमंत धाम। 6 जुलाई 2022 को इस मंदिर को एक नया स्वरूप दिया गया। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं। यूं तो यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है, मगर मंदिर को एक नया स्वरूप और नया कलेवर सन 2022 में दिया गया। मूल मंदिर इस मंदिर के नीचे स्थापित है। माँ गोमती के दाहिने तट पर स्थित हनुमंत धाम प्रकृति और मानव निर्माण कला शैली का एक अप्रतिम और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हनुमान धाम मंदिर भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है, मगर मंदिर की विशेषता यह है कि नवीन स्वरूप देने के पश्चात इस मंदिर को वैविध्यपूर्ण बनाने के लिए भगवान हनुमान जी के अतिरिक्त यहाँ पे अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। इस प्रांगण में आपको प्रवेश द्वार से जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, गणपति गणराज की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति आपका स्वागत करेगी, जिसके नीचे दर्जनों हाथी भगवान गणपति महाराज के इस मंदिर को आधार प्रदान किए हुए हैं। मंदिर प्रांगण में भगवान शिव का शिव परिवार और उसी कक्ष में लेटे हुए हनुमान जी बाल स्वरूप में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो अपने आप में एक हनुमान जी के बाल स्वरूप का एक अद्भुत दर्शन आपको प्रदान करेगी। चूँकि ये मंदिर पुराने मंदिर के ऊपर स्थित है, तो अपने आप में ये कुछ ऊंचाई पर स्थित है। और इस मंदिर की जो दूसरी विशेषता है, भगवान महावीर हनुमान जी का जो गुंबद है वो एक उल्टे घंटे के आकार का है। आप जब दूर से देखेंगे तो आपको एक विशालकाय उल्टा घंटा भगवान हनुमान जी के गुंबद के रूप में दिखाई देगा। उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण कला में नागर शैली का प्रयोग किया जाता है। नागर शैली में एक अनुपम और अनोखा प्रयोग करते हुए हनुमंत धाम मंदिर का जो शिखर है उसको एक घंटे का स्वरूप प्रदान किया गया है, जो अपने आप में एक नवीन प्रयोग है। साथ ही साथ इस मंदिर की एक सर्वप्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है वो भगवान शिव का चतुर्मुख रूप है। जी हाँ, जब मंदिर के आप पास पहुँचते हैं तो आपको दूर से ही भगवान शिव का एक चतुर्मुख रूप शिव अर्घा में आपको दिखाई देगा। नीले कलर का यह भगवान शिव का चतुर्मुख रूप जो एक शिवलिंग के चारों तरफ स्थापित किया गया है, इस मंदिर को दूर से ही पहचान देता है। यदि आप गोमती नदी के बाएं तट पर भी जाते हैं तो आपको दूर से भगवान शिव का ये चतुर्मुख रूप दिखाई पड़ेगा। गोमती नदी के तट पर स्थित होने के कारण हनुमंत धाम में आपको धार्मिक आस्था के दर्शन होते ही हैं। साथ ही साथ गोमती के किनारे स्थित होने के कारण मंदिर के प्रांगण को एक अनुपम और प्राकृतिक छटा भी प्रदान की जाती है। दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालु दर्शन करने के पश्चात मंदिर के पीछे स्थित माँ गोमती के तट पे अवश्य जाते हैं, जहाँ पे प्राकृतिक रूप से बहुत सारे वृक्षों को यहाँ पे लगाया गया है। और इसके पीछे माँ गोमती के दर्शन श्रद्धालुओं को धार्मिक
दर्शन के साथ ही साथ एक प्राकृतिक दर्शन का भी उपहार साथ में प्रदान करते हैं। ये बहुत साल पुराना वट वृक्ष यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसके नीचे भगवान हनुमान अपने साधना करते हुए प्रभु राम की याद में साधनारत श्री हनुमान जी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। मंदिर अपने निर्माण कला के कारण काफी ख्याति प्राप्त कर रहा है, विशेष रूप से यूट्यूबर्स और सेल्फी प्रेमियों के लिए ये मंदिर एक उपयुक्त स्थान है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर को बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है।